In previous videos, we are discussing about how to representing any data or information in the form of 3 bits. Suppose that अगर किसी variables के पास only 3 bits available हैं, तो इस केस में data किस format में represent किया था मैंने discuss किया था in previous videos. Now next one we want to discussing same example respect to 4-bit binary representation. Suppose that अगर किसी वेरिएबल का मेमोरी साइज 4 bits है, वेरिएबल्स के लिए 4 bits एलोकेट हुए हैं, और 4 bits में किस रेंज का डेटा स्टोर करना पॉसिबल हुआ, प्लस इस केस में डिफरेंट वैल्यूज को टेस्ट किया है. मेन फंक्शन से जस्ट पहले प्रोवाइड किया सम स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग एक्स का साइज डिफाइन किया गया 4. इसलिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ थ्रू आउट प्रोग्राम, एक्स के लिए बाइट्स कितने एलोकेट होंगे और बिट्स कितने एलोकेट होंगे 4 bits. प्लस इस जब भी एक्स लोकेशन क्रिएट होगा, एक्स केस में स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा पी, एक्स को एक्सेस करने का वे क्या हुआ पी डॉट एक्स लाइक दैट, बिकॉज इस केस में एक्स क्या एक्स इज अ मेंबर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर्स. इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा, सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होगा 4-bit एलोकेशन. इस लोकेशन का नेम क्रिएट होगा एज अ पी डॉट एक्स. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लोकेशन? पी डॉट एक्स. इस पी डॉट एक्स मेमोरी के अंदर कोई लोकेशन होगा, इस लोकेशन का साइज क्या है एग्जैक्टली 4 bits. देन 4 bits में डिफरेंट वैल्यूज टेस्ट करें करेंटली रिस्पेक्टेड प्रोग्राम का, प्रोग्राम का आउटपुट क्या जनरेट होगा. फर्स्ट वन वी आर असाइनिंग पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 5. वी आर डिस्कसिंग वन बाई वन पेयर वाइज, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन. टोटल 9 केस हैं इस केस में, डिफरेंट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज किया. तो फर्स्ट केस में क्या पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 5. प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जब भी किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे तो इनिशियली वैल्यू किस फॉर्म में कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन जब वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर कर डेटा मेमोरी के अंदर किस फॉर्म में असाइन होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. इसलिए रिक्वायर्ड क्या है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. नंबर पॉजिटिव है इसलिए इसका बाइनरी नंबर डायरेक्टली पॉसिबल होगा 5. 5 के केसेस में इसका बाइनरी क्या है 101. एक्स के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं? टोटल 4 bits. इसलिए डेटा प्रॉपरली असाइन करना पॉसिबल है, प्लस 4 bits हैं, एक्स्ट्रा बिट ऐड करा सकते हो समथिंग 0. देन डेटा असाइन कैसे होगा राइट टू लेफ्ट. सबसे पहले राइट मोस्ट बिट असाइन होगा इज 1, देन 0, देन 1, देन 0. दिस इज द डिफॉल्ट इंसर्टेड बिट. इन दैट केस एज वी आर डिस्कसिंग फॉर एवरी वेरिएबल फर्स्ट बिट ऑलवेज कंसीडर्ड एज साइन बिट, रिमेनिंग बिट्स आर कंसीडर्ड एज डेटा बिट, डेटा और इंफॉर्मेशन बिट. रिमेनिंग बिट्स आर कंसीडर्ड डेटा और इंफॉर्मेशन बिट्स. करंटली एक्स के केसेस में साइन बिट कैसे हो रहा है 0, इसलिए नंबर कैसा पॉजिटिव. इसे असाइन भी पॉजिटिव नंबर किया है, प्लस इसे रिप्रेजेंट भी क्या हो रहा है ऑल्सो पॉजिटिव नंबर. देन नेक्स्ट केस में डिस्प्ले करा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पी डॉट एक्स. पी डॉट एक्स केस में जब वैल्यू डिस्प्ले करा हुआ तो पी डॉट एक्स में मीन्स डेटा डिस्प्ले किसके रिस्पेक्ट में कराएंगे, असाइंड वैल्यू के रिस्पेक्ट में और स्टोर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में, इन द फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू स्टोर्ड वैल्यू. प्लस करंटली असाइन क्या हुआ है साइन बिट 0 फाउंड हो रहा है, रिक्वायर्ड क्या हुआ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बिकॉज आउटपुट ऑलवेज किस फॉर्म में डिस्प्ले, आउटपुट विल बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, बिकॉज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड परसेंट डी स्टैंड्स फॉर डेसिमल इंटीजर. उसके इसमें रिक्वायर्ड क्या है बाइनरी टू डेसिमल, साइन बिट 0 इसलिए डायरेक्टली इसका डेसिमल क्या आएगा 5, इस डेसिमल वैल्यू भी क्या इसका ऑल्सो 5, बिकॉज वी कैन कैलकुलेट 0101 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 0 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 1 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 3 लाइक दैट. इन दैट केस फर्स्ट बिट 1 है, इस केस में इसका नंबर क्या है 2 to the power 0 इज 1, प्लस ए केस क्या है 0, क्योंकि 2 to the power 1 मीन्स 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आएगा 0. नेक्स्ट वन 2 to the power 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4, प्लस 2 to the power 0 2 to the power 3 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0. इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या है इसके 4 + 1 इज 5. दिस इज द डिस्प्लेड वैल्यू. मीन्स फाइनली पी डॉट एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे वैल्यू एज 5. मीन्स असाइन भी 5 कराया था और डिस्प्ले भी क्या हो रहा है ऑल्सो 5. मीन्स 5 इज अ वैलिड रेंज फॉर
फोर बिट रिप्रेजेंटेशन, इस फोर बिट रिप्रेजेंटेशन में फाइव को सक्सेसफुली असाइन करना पॉसिबल, इसलिए डिस्प्ले भी क्या हुआ ऑल्सो फाइव। जब सेम डेटा थ्री बिट्स में रिप्रेजेंट किया था उस केस में रिजल्ट डिफरेंट था, बिकॉज थ्री बिट्स के केस में मैक्सिमम रेंज क्या था माइनस फोर। नेक्स्ट वन, ये टेस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड केस, सेकेंड केस के रिस्पेक्ट में बात करें अगेन, नेक्स्ट टाइम क्या असाइन कराया पी डॉट एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, प्रीवियस केस में असाइन कराया था पॉजिटिव नंबर, बट इन दैट केस वी आर असाइनिंग नेगेटिव नंबर एज माइनस फाइव। अगेन सेम केस होगा, माइनस फाइव का सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा माइनस फाइव के रिस्पेक्ट में बाइनरी नंबर, किसी भी निगेटिव नंबर का बाइनरी नंबर इक्वेलेंट होता है इक्वेलेंट टू टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन। इसमें अगर फाइव का टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया जाए तो नहीं बाइनरी किसके इक्वेलेंट हुआ इक्वेलेंट टू माइनस फाइव, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव, और फाइव का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो सबसे पहले बाइनरी नंबर ऑफ फाइव, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू 101। लेकिन ये डेटा फोर बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है इसलिए फाइव को राइट कितने बिट्स में करोगे फोर बिट्स में, इसलिए एक्स्ट्रा बिट ऐड करा लेंगे जहाँ जीरो। नेक्स्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी नंबर, आफ्टर दैट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव, वंस कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग जीरो को वन में इन्वर्ट करेंगे और वन को जीरो में, जीरो वन जीरो इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, तो प्लस वन के रिस्पेक्ट में वन का बाइनरी नंबर राइट करोगे 1000। आगे द एडिशन, जो भी एडिशन आएगा ये एडिशन किसके इक्वेलेंट इक्वेलेंट टू टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव, और वी कैन सी इक्वेलेंट टू माइनस फाइव, बोथ आर सेम, जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, वन प्लस जीरो इज वन, दिस द बाइनरी नंबर ऑफ माइनस फाइव। फाइनली माइनस फाइव का बाइनरी नंबर क्या कैलकुलेट हुआ इस केस में 1011। राइट टू लेफ्ट असाइन करेंगे वन, नेक्स्ट टाइम अगेन वन, नेक्स्ट टाइम जीरो, नेक्स्ट टाइम वन, दिस द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस फाइव। नेक्स्ट वन, सिमिलरली जब माइनस फाइव का वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे तो वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगेन चेक करेंगे साइन बिट, साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है वन, देयरफॉर नंबर इज नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स का जब रिजल्ट डिस्प्ले कराया तो रिजल्ट अगेन परसेंटी से डिस्प्ले कराया, परसेंटी मीन्स अगेन डेसिमल नंबर, लेकिन डेटा अवेलेबल किस फॉर्म में बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले जब भी रिजल्ट डिस्प्ले कराएं तो बाइनरी मीन्स अगर साइन बिट वन फाउंड हो रहा था इसका डेसिमल नंबर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हुआ। इसका रूल क्या था प्रीवियस लेक्चर्स में रूल नोट करवाया था, व्हाट इज द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एनी बाइनरी नंबर इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल। तो कन्वर्जन परफॉर्म करें बेस्ड ऑन साइन बिट, साइन बिट के केस में टू पॉसिबल केस होंगे आइदर जीरो और वन, जीरो मीन्स नंबर इज पॉजिटिव, वन मीन्स नंबर इज नेगेटिव। करेंटली अगर साइन बिट जीरो देन बाइनरी टू डेसिमल डायरेक्टली पॉसिबल था, अगर साइन बिट वन है देन सबसे पहले बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे इनटू इक्विवेलेंट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी, देन जो भी टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉलोड बाई माइनस साइन। तो इसके इसमें कौन सा रूल सेटिस्फाई करना फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड रूल, बिकॉज साइन बिट क्या है इसके इसमें साइन बिट इज वन, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड होगा, जो भी बाइनरी नंबर है टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जीरो वन जीरो जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन इज जीरो प्लस वन इज वन, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, वन प्लस जीरो इज वन, जीरो प्लस जीरो इज जीरो। व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू इक्वेलेंट डेसिमल नंबर इज फाइव, प्लस साइन कौन सा फॉलो करें माइनस साइन, देयरफॉर वैल्यू इज माइनस फाइव। इस केस में फाइनली पी डॉट एक्स में असाइन भी क्या कराया था माइनस फाइव, प्लस डिस्प्ले भी क्या हो रहा है इससे ऑल्सो माइनस फाइव, देयरफॉर डिस्प्लेड मैसेज इज माइनस फाइव। इन नेक्स्ट केस, थर्ड केस, असाइन क्या कराया वैल्यू एज टेन, असाइंड वैल्यू इज टेन, अगेन वी आर टेस्टिंग रिस्पेक्ट टू असाइंड वैल्यू एज टेन। जब टेन असाइन करेंगे अगेन टेन के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ बाइनरी नंबर ऑफ टेन, एज वी नो बाइनरी नंबर ऑफ टेन इज वन जीरो वन जीरो। इस केस में कोई एक्स्ट्रा बिट पेड कराने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी एक्स का साइज क्या है फोर बिट, अब बाइनरी नंबर भी कितने बिट्स में कैलकुलेट हुआ है ऑल्सो फोर बिट्स, इसलिए एक्स में डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल है जीरो
वन, नेक्स्ट वन जीरो, अगेन वन, लाइक दैट. आफ्टर दैट जब x का वैल्यू डिस्प्ले करा हुए, तो वैल्यू डिस्प्ले करने के रिस्पेक्ट में वैल्यू अवेलेबल किस फॉर्म है, बाइनरी. रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है, डेसिमल अकॉर्डिंग टू परसेंट डी. डेसिमल के अकॉर्डिंग बात करें, अगेन रूल कौन सा अप्लाई हुआ, फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड रूल, बिकॉज साइन बिट इज वन. अगर साइन बिट वन है तो सबसे पहले इस केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, बाइनरी टू टूज कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, जीरो वन जीरो वन, देन टूज कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में ऐड कराएंगे एज अ वन, वन प्लस वन, एज वी नो वन प्लस वन का एडिशन क्या था, टू, लेकिन टू का बाइनरी क्या है, वन जीरो. हियर एडिशन इज जीरो एंड वन इज कैरी. कैरी विल बी एडेड टू द नेक्स्ट बिट. जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, जीरो प्लस जीरो इज जीरो. मीन्स इस केस में जब डेसिमल नंबर निकाले, डेसिमल क्या है इसका इक्विवेलेंट, सिक्स. प्लस साइन कौन सा फॉलो करेंगे, माइनस साइन. देयरफॉर इक्विवेलेंट वैल्यू इज माइनस सिक्स. मीन्स टेन फोर बिट्स में मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पर्टिकुलर रिक्वायर्ड रेंज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ. मीन्स 10 को जब 4 बिट्स में स्टोर कराओगे तो 10 के प्लेसेस पर रियल में डिस्प्ले क्या होगा, माइनस सिक्स, जबकि आसान क्या कराया था, पॉजिटिव नंबर माइनस सिक्स. इसलिए थर्ड प्रिंट टैप के थ्रू डिस्प्ले क्या होगा, रिजल्ट है माइनस सिक्स. नेक्स्ट वन, अगेन वी आर टेस्टिंग सम डिफरेंट वैल्यू, केस 4. केस 4 के केसेस में असाइंड वैल्यू क्या है, इन दैट केस वी आर असाइनिंग माइनस 10. प्रीवियस केस में असाइन किया था प्लस 10, प्लस 10 का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, इस रियल में फर्स्ट टाइम असाइन क्या कराया था, 5, रिजल्ट भी क्या मिला, 5. नेक्स्ट टाइम असाइन किया था माइनस 5, रिजल्ट भी क्या मिला, माइनस 5. लेकिन नेक्स्ट टाइम असाइन 10 कराया लेकिन आउटपुट क्या मिला है, माइनस 6. नेक्स्ट वन चेक करेंगे, व्हाट अबाउट माइनस 10. इन दैट केस पी डॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस 10. पी डॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस 10. माइनस 10 के रिस्पेक्ट में बात करें तो माइनस 10 का बाइनरी नंबर क्या होगा, माइनस 10 का बाइनरी नंबर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं. माइनस 10 का बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस 10. तो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा, प्लस 10 का टूज कॉम्प्लीमेंट, और प्लस 10 के टूज कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या होगा, बाइनरी नंबर ऑफ 10. बाइनरी नंबर ऑफ 10 इज 10 10, देन रिक्वायर्ड क्या हो, इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट 0101. ऐड कराएंगे जब 1, 1 प्लस 1 इज 0, कैरी इज 1, 1, 1 प्लस 1 इज 0, कैरी इज 1, 1 प्लस 1 इज 0, कैरी इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, नेक्स्ट वन सेयर, हेयर देयर इज नो कैरी, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0. देन इस केस में रेज क्या हुआ, 0110. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ माइनस 10, 0110. नाउ दिस वैल्यू इज असाइन टू द वेरिएबल पी डॉट एक्स, 0110. नेक्स्ट वन, मीन्स करंट केस में असाइन क्या कराया गया, निगेटिव नंबर, लेकिन साइन बिट क्या फ्लू हुआ इस केस में, जीरो. साइन बिट जीरो मीन्स नंबर बिकम्स पॉजिटिव. नेक्स्ट टाइम जब इसका डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले कराएं तो डेसिमल के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ, बाइनरी टू डेसिमल अकॉर्डिंग टू गिवन रूल. गिवन रूल्स के अकॉर्डिंग करेंटली साइन बिट जीरो फाउंड हुआ, इसलिए नंबर कैसा, पॉजिटिव. पॉजिटिव के केस में डायरेक्टली बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पॉसिबल हुआ. इसका बाइनरी टू डेसिमल वैल्यू क्या होगा, डायरेक्टली सो रहा है एज अ 6. मीन्स आसान क्या कराया था, माइनस 10, लेकिन इससे डिस्प्ले क्या हुआ, इसके प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, माइनस प्लस 6. इसलिए आउटपुट भी क्या प्रिंट होगा, ऑल्सो 6. नेक्स्ट वन, केस 5, वी आर असाइनिंग वैल्यू एज 39. 39 मीन्स प्रीवियस केस में जब 10 असाइन किया तो 10 4 बिट्स के रेंज में नहीं था. इसका मतलब क्या, 39 में से 10 से कोई बड़ा नंबर हुआ, बड़ा नंबर भी रेंज में पॉसिबल नहीं. चेक करते हैं इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या असाइन हो रहा है. 39 सबसे पहले जैसे ही आप डेटा असाइन करा तो डेटा किस फॉर्म में असाइन कराए, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 39? 39 इज इक्विवेलेंट टू 32 प्लस 8 प्लस 39 इज इक्विवेलेंट टू
32 + 4 इज इक्वल टू 36, 36 + 3 मीन्स 2 + 1। उसके इसमें आसान क्या कराएंगे, फर्स्ट वन 2 to the power 0 इज 1, 2 to the power 1 इज 1, 2 to the power 2 इज 4 ऑल्सो 1। नेक्स्ट टाइम क्या आएगा 8, 8 के रिस्पेक्ट में क्या है 0। नेक्स्ट टाइम 16, 16 के रिस्पेक्ट में क्या है ऑल्सो 0। नेक्स्ट टाइम 32, 32 के रिस्पेक्ट में क्या है 1, लाइक दैट। दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 39। जब इस नंबर को 39 के केस में बाइनरी नंबर क्या जनरेट हुआ है 1 0 0 1 1 1। चेक करें इस केस में x के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं, ओनली 4 बिट्स। मीन्स x के लिए टोटल कितने बिट्स एलोकेट किए गए हैं, ओनली 4 बिट्स, लेकिन डेटा 6 बिट में जनरेट हुआ। 39 का बाइनरी नंबर कितने बिट्स में रिप्रेजेंट हुआ, इन द फॉर्म ऑफ 6 बिट्स। 6 बिट्स के केसेस में ऑल 6 बिट्स असाइन करना पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। जब भी इस टाइप का सिचुएशन आता है आपको कुछ भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, सिंपली वैल्यू असाइन कराओ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मीन्स रिक्वायर्ड वैल्यू और जनरेटेड वैल्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। सबसे पहले क्या असाइन कराएंगे 1, नेक्स्ट टाइम ऑल्सो 1, नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 0। रिमेनिंग लास्ट 2 बिट्स को असाइन करने के लिए कोई भी डेटा मेमोरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मेमोरी एलोकेशन फाउंड नहीं हो रहा, इसलिए रिमेनिंग बिट्स को कंसीडर करेंगे डिस्कार्डेड बिट और डेस्ट्रॉयड बिट्स। मीन्स टोटल नंबर कितने बिट्स में जनरेट हुआ 6 बिट्स में, लेकिन इसके ओनली 4 बिट्स सेव करना पॉसिबल हुआ बिकॉज मेमोरी स्पेस कितना फाउंड हो रहा था ओनली 4 बिट्स। अगेन चेक करें इस केस में साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है 0, मीन्स नंबर कैसा पॉजिटिव। देन इसका जब आउटपुट डिस्प्ले कराओगे यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शंस, तो आउटपुट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड क्या होगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। साइन बिट 0 इसलिए फॉलो किया करें डायरेक्टली बाइनरी टू डेसिमल, ऑलरेडी आपको श्योर है इस केस में इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या 7। इसलिए पी डॉट एक्स के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ वैल्यू है 7। असाइन क्या कराया था 39, लेकिन डिस्प्ले क्या हो रहा रिजल्ट है 7। इसे सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू 4 बिट मेमोरी एलोकेशंस। नेक्स्ट वन वी आर असाइनिंग अगेन एस 50, देन अगेन वी हैव रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर ऑफ 50। इस किसी भी नंबर बाइनरी नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, लाइक 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। इस केस में आसान कराया जा पूरा ही राइट कर लेते हैं, इस केस में 64 128 and 256 लाइक दैट। करेंटली आसान क्या कराया पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 50, व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 50। 50 के केसेस में बात करें 50 का नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो रहा है 32, तो 32 के केस में क्या ऐड करेंगे 1। 32 में कितने ऐड कराए जाएं, अगेन नेक्स्ट टाइम रिमेनिंग क्या बचा 32 सबट्रैक्ट करें से रिमेनिंग क्या बचा इस केस में एज आ 18। अब 18 का नियरेस्ट क्या है 16, तो 16 के केस में क्या आएगा 1, अगेन सबट्रैक्ट क्या कर देंगे इस केस में एज आ 16, रिमेनिंग कितना बचा 2। 2 के केसेस में डायरेक्टली इस प्लेस पर भी क्या आ जाए 2 का 1, रिमेनिंग सा 0। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक अप्लाइड फॉर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन विदाउट डिवाइड बाई 2 रूल्स। नेक्स्ट फाइनली बाइनरी नंबर क्या जनरेट हुआ इस केस में 1 1 0 0 1 0। अगर 50 का बाइनरी नंबर टोटल कितने बिट्स में कैलकुलेट हुआ है 6 बिट्स, लेकिन x के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं ओनली 4 बिट्स, इसलिए डेटा कितना आसान हुआ ओनली राइट मोस्ट 4 बिट्स। नीचे से इंफॉर्मेशन को जब लोकेशन x में कॉपी करेंगे तो आसान क्या होगा 0 1 0 0। अगेन इसके जस्ट बाद अकॉर्डिंगली जब आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ पी डॉट एक्स, पी डॉट एक्स के रिस्पेक्ट में बात करें करेंटली साइन बिट 0 फाउंड हो रहा है, इसलिए डायरेक्टली डेसिमल पॉसिबल है। 1 0 1 0 मीन्स दैट 1, 1 0 किसके इक्वलेंट, इक्वलेंट टू 2, इसलिए रिजल्ट क्या डिस्प्ले हुआ इसके इसमें आउटपुट एज 2, जबकि आसान क्या कराया था पॉजिटिव नंबर एज 50। नेक्स्ट वन रिगार्डिंग माइनस वन के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड किया गया बाइनरी नंबर, इसके साथ नंबर कैसा पॉजिटिव और निगेटिव, नंबर इज निगेटिव।
निगेटिव के केसेस में ऑलरेडी भी आप श्योर हो, इस केस में माइनस वन का बाइनरी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं। माइनस वन का बाइनरी किसके इक्वलेंट टू वर्ब टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस वन। इस केस में सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड होगा बाइनरी नंबर ऑफ वन इन द फॉर्म ऑफ फोर बिट्स। फोर बिट्स में वन का बाइनरी क्या, जीरो जीरो वन। देन टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट से पहले वंस वन 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 जीरो, देन एड क्या होगा इसमें वन। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ जब भी माइनस वन को कितने भी बिट्स में आसान करोगे, माइनस वन के केस में एवरी टाइम क्या आसान होगा, ऑल टाइम्स वन। चेक हियर, वन का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, वन प्लस जीरो इज वन। मीन्स इस केस में जनरेट क्या हुआ फाइनली, सिक्सटीन टाइम्स वन, सॉरी फोर टाइम्स वन। फोर टाइम वन के रिस्पेक्ट में आसान क्या हो जाएगा, ऑल टाइम वन, लाइक दैट। दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ प्लस फाइव, सॉरी माइनस वन। पी डॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, इसका बाइनरी क्या है, फोर टाइम्स वन। देन जब इसका रिजल्ट डिस्प्ले कराएं तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है, वन। रिजल्ट डायरेक्टली डिस्प्ले करना पॉसिबल नहीं, रिक्वायर्ड क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज अगर साइन बिट बने देन रूल कौन से अप्लाई हो, बाइनरी टू टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, जीरो प्लस वन इज वन, रिमेनिंग टाइम्स जीरो। फाइनली इसका डेसिमल क्या है, वन प्लस डेसिमल के साथ साइन कौन सा अप्लाई करेंगे, माइनस साइन। देन फाइनली डिस्प्लेड वैल्यू इज माइनस वन। मीन्स इस केस में साइन भी क्या कर रहा है, माइनस वन, डिस्प्ले भी क्या रहा है, माइनस वन। माइनस वन रेंज के अंदर था इसलिए प्रॉपरली स्टोर करना पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट केस में रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू माइनस वन। नेक्स्ट वन वी आर असाइनिंग 260, वी आर असाइनिंग पी डॉट एक्स इक्वल्स टू 260। 260 केस में अगेन रूल फॉलो करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी नंबर ऑफ 260 का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 256 प्लस 4। देयरफॉर 256 के रिस्पेक्ट में बिट राइट करेंगे जब 1, और 4 के रिस्पेक्ट में राइट क्या करेंगे 1, रिमेनिंग सार 0 0 0 0 0 0। दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 260। बाइनरी नंबर क्या है, 1 5 टाइम्स 0, 1 5 टाइम्स 0, नेक्स्ट वन 1 0 0। इस अगेन ये बाइनरी नंबर कैलकुलेट कितने बिट्स में होगा, 9 बिट्स में, लेकिन x के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं, ओनली 4, इसलिए राइट मोस्ट 4 बिट्स ओनली सेव करना पॉसिबल है। रिमेनिंग 5 बिट्स कंसीडर होंगे इस केस में एज अ डिस्कार्डेड बिट्स, बिकॉज देयर इज नो मेमोरी स्पेस इज अवेलेबल फॉर स्टोरिंग दैट बिट्स। आसान क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट 0, अगेन 0, 0, 0, 1, देन 0। रिमेनिंग बिट्स को आसान करने के लिए कोई प्लेस है क्या, देयर इज नो स्पेस। नेक्स्ट इसके जस्ट वाले जब डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे पी डॉट एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन बिट 0 फाउंड हो रहा है, रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रूल बाइनरी टू डेसिमल। डेसिमल वैल्यू क्या है, 100 के केस में 100 इज इक्वलेंट टू 4, इसलिए इस केस में फाइनली आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ, 4। जबकि आसान क्या कराया गया, 260। लास्ट केस वी आर असाइनिंग 265, 265 के रिस्पेक्ट में भी सेम रूल्स फॉलो होंगे। अगेन चेक करेंगे रिस्पेक्ट टू 265, व्हाट इज द बाइनरी नंबर 265, 265 इज इक्वलेंट टू 256 प्लस 8, 256 प्लस 8 बिकम्स 264 प्लस 1 इज 265। मीन्स 256 का 1, 8 का 1, 1 का 1, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 256 इज 265। इसलिए बाइनरी नंबर क्या, रिमेनिंग बिट्स पुट करेंगे एज 0। इस टाइप से डायरेक्टली किसी भी डेसिमल का बाइनरी डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल है। करेंटली नंबर क्या रेज हुआ इसके, 15 टाइम्स 0, देन 14 टाइम्स 0, सॉरी 14 टाइम्स 0, 1001। इज द बाइनरी नंबर ऑफ 265, लेकिन इस केस में असाइन कितने बिट्स कराएंगे, ओनली राइट मोस्ट 8 बिट्स। सर वी आर असाइनिंग ओनली राइट मोस्ट 8 बिट्स।
सॉरी राइट मोस्ट 8 बिट्स, क्योंकि 4 बिट्स एक्स के पास अवेलेबल बिट्स कितने 4, इसलिए असान भी कितने बिट्स कराएंगे ओनली 4, 1 0 0 1, रिमेनिंग बिट्स आर सिंपली डिलीटेड और डिस्कार्डेड, देयर इज नो मेमोरी स्पेस अवेलेबल फॉर स्टोरिंग दैट वैल्यूज। देन इस केस में प्रीवियस केस में साइन बिट 0 था इसलिए डेसिमल डायरेक्टली पॉसिबल हुआ, लेकिन इस केस में साइन बिट क्या है 1, 1 के केस में फॉलो क्या करें 2's कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू असाइंड वैल्यू, वैल्यू क्या असाइन किया 1001, 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका 0110 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 0 = 7, इस डेसिमल क्या है 7, लेकिन साइन कौन सा अप्लाई करें माइनस, इसलिए फाइनली डिस्प्लेड वैल्यू क्या है -7। क्लियर, दिस इज द आउटपुट रिगार्डिंग 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन।